तो दोस्तों चलिए आज फिर से नए लेक्चर से शुरुआत करते हैं, यानी कि आज लेक्चर नंबर कितना होगा। लेक्चर नंबर आज 4 हम लोग देखेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी नाउन क्या कर दिया है, निपटारा कर दिया है, यानी कि ख़त्म कर दिया है। तो आज हम लोग एरर करेक्शन पर ध्यान देंगे, यानी कि मुद्दे की बात क्या है आज का, हम लोग देखेंगे एरर करेक्शन क्या होता है, उसका रूल देखेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं एक मिनट में रिविज़न। तो आप लोगों ने शुरुआती के लेक्चर में देखा, लेक्चर 1, 2, 3 में देखा कि आप लोगों ने नाउन क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है। 2 में देखा उसका एक डिफिनेशन, यानी कि उसका जो सब डिविज़न हुआ नाउन का, उसका एग्जांपल और उसका रूल देखा। और आज हम लोग 4 नंबर लेक्चर में देखेंगे एरर करेक्शन कैसे करेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा रूल्स आप लोगों का क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर MKB, यानी कि मुद्दे की बात क्या है, 4 एरर, यानी कि सिलेक्शन ऑफ एरर, हम लोग कहाँ से कैसे एरर को सिलेक्ट करेंगे, उसकी पूरी जानकारी आप लोग को रूल नंबर 1 से देंगे। ठीक है, तो बात करेंगे रूल 1 क्या बोलता है आप लोगों को, कि कुछ ऐसे जो नाउन्स होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में भी क्या लगेंगे आप लोगों को, दिखने में आप लोगों को लगेंगे यहाँ पे प्लुरल। ठीक है, देखने में आप लोगों को लगेगा प्लुरल, और उसका यूज़, यानी कि उसका यूजेज भी आप लोगों का किस में होगा, प्लुरल फॉर्म में आप लोग यूज़ किए, यानी कि कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जिसका प्रयोग आप लोग किस में करेंगे, प्लुरल में। वह देखने में भी क्या रहेगा, प्लुरल रहेगा। ये मत सोच लीजिएगा उसके अंत में अगर एस लगा है तो उसको हटाकर हम लोग क्या कर लेंगे, सिंगुलर बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा भूल कभी मत कीजिएगा। कुछ ऐसे भी एग्जांपल होंगे, वह सिर्फ देखने में ही क्या रहेंगे, प्लुरल रहेंगे, लेकिन उसका यूज़ क्या रहेगा, सिर्फ प्लुरल में होगा। कुछ ऐसे भी रूल्स होंगे जो देखने में प्लुरल रहेगा, लेकिन उसका यूज़ किस में होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, ये रूल आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोग रूल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कुछ ऐसे नाउन्स जो देखने में प्लुरल लगते हैं, लेकिन उसका यूज़ भी किस में हम लोग करते हैं, प्लुरल फॉर्म में। देखने में प्लुरल और उसका यूज़ भी किस में होगा, प्लुरल फॉर्म में ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल लिखा गया, सीजर, कैंची, वेजेज, थैंक्स, रिमेंस, सेविंग्स, टोंग्स, चिमटा, गॉगल्स, जानते हैं काला चश्मा, उसके बाद रिचेज, उसके बाद होगा कॉन्ग्रेचुलेसन एक्सेट्रा। और भी है जो मैं आप लोग क्या करूँगा, स्क्रीन पर मैं आप लोगों का पूरा फोटो आप लोगों को दे दूँगा, उसमें से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को किया है। और वह जो वेजेज जो पुलर फॉर्म का फॉर्मेट है, आप लोगों पेज में आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली देखिएगा। ठीक है, आप लोग पॉज करके उसको राइट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, क्योंकि वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में बात करें हम लोग, तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे पहला, वेयर माई पैंट्स, पैंट्स हो गया, ट्राउजर हो गया, और भी स्पीसीज हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो क्या दिखने में रहेंगे प्लुरल, और उसका यूज भी किस में करेंगे, हम लोग प्लुरल फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, वेयर माई पैंट्स, तो यहाँ पर जो पैंट्स आप लोगों ने यूज़ किया, यहाँ पर ये क्या है, देखने में प्लुरल लग रहा है, और इसका यूज़ भी किस में किया गया है, प्लुरल भाव में ही किया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो वेयर आर द टोंग्स है, तो देख सकते हैं देखने में क्या है, प्लुरल है, और इसका यूज़ भी किसके साथ किया गया है, प्लुरल भाव के साथ ही प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर एरर में दे दे इस तरह से तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, एरर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला तीसरा देखेंगे, ऑल हिज एसेट्स आर सीज, यानी कि उसका जो भी धन था उसको क्या कर लिया, सीज कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एसिड्स है, एसिड्स देखने में प्लुरल लग रहा है, और इसका प्रयोग भी किसके साथ किया गया है, प्लुरल भाव के साथ प्रयोग किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि हर एक के साथ क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, यानी कि अपवाद सभी के साथ होता ही होता है। तो चलिए हम लोग अपवाद की ओर बढ़ते हैं, इसमें भी अपवाद देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अब बात करेंगे हम लोग MKV। ठीक है, MKV कहने का मीनिंग है आप लोगों को यहाँ पे, MKV यानी कि मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा एक वेजेज, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से, वेजेज चमक रहा है क्या यहाँ पे, हाँ चमक रहा है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको ए वाला मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग वेजेज जो है,
ए एक्सेप्शंस में है, ठीक है। यहाँ पे ये अपवाद है, ये जो वेजेस है, वेजेस का प्रयोग हम लोग दोनों में करते हैं, प्लुरल और सिंगुलर में करते हैं, प्लुरल और सिंगुलर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आखिर जो वेजेस है यानी कि जो धन है उसको हम लोग प्लुरल में करते हैं और सिंगुलर में करते हैं। आपको ध्यान देना होगा प्लुरल में का कब करेंगे और सिंगुलर में कब करेंगे। तो देखिए जब हम लोग बात करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेजेज, वेजेज जो है अगर आप लोगों को मजदूरी के रूप में अगर मिल रहा है, वेजेज का मतलब क्या होता है, मजदूरी होता है, तो मजदूरी जो आप लोग देखिए वेजेज का था पता नहीं यार, दो मिनट के बाद वीडियो ही पॉज हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो वेजेज है, वेजेज प्लुरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो वेजेज का कितना मीनिंग होता है, दो मीनिंग होता है, कौन कौन होता है तो चलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। जो प्लुरल होगा यहाँ पे मजदूरी होगा, ठीक है, मजदूरी। और यह जो सिंगुलर होगा यह क्या रहेगा, परिणाम यानी कि रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब बात करेंगे अगर मजदूरी में अगर यूज़ करेंगे तो इसका एग्जांपल किस प्रकार से होगा, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। याद रखिएगा जब वेजेस मजदूरी के रूप में होगा वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, प्लुरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर वेजेस का प्रयोग सिंगुलर में होगा यानी कि परिणामकार यानी कि जो वाक रहेगा उसमें अगर परिणाम दर्शाएगा उस स्थिति में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। समझ लिए होंगे कि वेजेस का प्रयोग हम लोग दो स्थिति में करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट हो जाएगा वेजेस, वेजेस आर पेड इन कैश। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आप लोग देखेंगे यहां से, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, एक आप लोगों को किस में है, सिंगुलर में, एक प्लुरल में है, एक सिंगुलर में है। ध्यान से देखेंगे तो वेजेज आर, सॉरी यहाँ पे आर का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे वेजेज आर पेड इन कैश, जो उसका मजदूरी है किस फॉर्मेट में मिल रहा है, कैश के रूप में यानी कि रुपया उनको दिया जा रहा है। तो क्या है यह मजदूरी आप लोग को दर्शा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को मजदूरी दिखा रहा है, ये जो सेंटेंस है मजदूरी दिखा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब बात करेंगे दूसरा एग्जांपल की ओर, तो दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यानी कि जो आपने कठिन परिश्रम किया उससे उसको क्या मिला, मिठाई मिला, ठीक है, यानी कि मीठा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ, समझ गए, ये क्या है, परिणाम दिखा रहा है, ये जो वेज है यह परिणाम दिखा रहा है यानी कि रिजल्टेंट दिखा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ लिए होंगे वेजेस क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि दिखने में लगेगा आप लोगों का प्लुरल जैसा, लेकिन इसका प्रयोग दोनों में होता है, प्लुरल में भी और सिंगुलर में भी। कोई दिक्कत यहाँ तक अंतर समझने में नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग एक दो और एग्जाम्पल खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों का वेजेस आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये जो वेजेस है एक मजदूरी के लिए, परिणाम के लिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कैसा लगा। तो चलिए हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे, रूल नंबर दो की ओर बात करेंगे, दूसरा रूल के, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी एक्सेप्शन देख लिया होगा, एक्सेप्शन बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है, किसी भी रूल के लिए, सब रूल का क्या कर देता है, धजिया उड़ा था, तहस नहस कर देता। हम लोग बात करेंगे रूल नंबर यानी कि एम के वी, ठीक है, मुद्दे की बात करेंगे दूसरा नंबर पर, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर क्या बोलता है आप लोग, कुछ ऐसे नाउंस, देखिएगा आप लोग ध्यान से इसको लिख भी सकते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में प्लुरल फॉर्म लगेंगे, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा।
ठीक है, इतनी सी बात आप लोग लिख लीजिए। मुद्दे की बात आप लोगों का 2000, यानी कि रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर आप लोगों का 2000, ठीक है। तो मुद्दे की बात में आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो देखने में रहेगा प्लुरल फॉर्म में, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा किस फॉर्मेट में करेंगे तो सिंगुलर फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो आप लोग रूल नंबर ये इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं क्या करता हूँ आप लोग एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोग रूल नंबर 1 लिख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल और जो भी एग्जाम्पल होगा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल 2, यानी कि रोल नंबर 2 यहाँ पे MKB मुद्दे के बाद यहाँ पे 2 चलेगा, ठीक है। तो बात करेंगे पहला एग्जांपल की, बात करेंगे न्यूज़, देख सकते हैं देखने में लग रहा है प्लुरल, लेकिन इसका यूज़ किस में होगा, किस में होगा, सिंगुलर में होगा, क्योंकि नो न्यूज़ इज़ गुड, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल होगा नो न्यूज़ इज़ गुड, देख सकते हैं न्यूज़ आया, ये क्या है प्लुरल फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में दिख रहा है ना आप लोगों को, लेकिन इसके साथ क्या प्रयोग किया गया, सिंगुलर, ठीक है, समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा सेंटेंस में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किसे किसे होगा। न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया, समन्स समझिएगा, समन्स मतलब कि कोर्ट से कोई चीज़ आता है ना, लेटर वगैरह, उसी को हम लोग समन्स बोलते हैं। कोई चीज़ जमीन वगैरह लड़ाई होता है तो उसके लिए घर पे समन्स भेजा जाता है, समन्स यानी कि कोई संदेश वगैरह जो नोटिस वगैरह होता है वो समन्स हो गया। फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके बाद आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, और भी आप लोग एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स बीमारी है एक, रिकेट्स हो गया। और भी आप लोग एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नहीं लिखे हैं, पॉलिटिक्स हो जाएगा PLITICS, पॉलिटिक्स। और आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, मम्प्स, मम्प्स हो जाएगा, उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे से और भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एथलेटिक्स भी हो सकता है, ATHLETICS, एथलेटिक्स। और आप लोग लिखना चाहते हैं तो और भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एथलेटिक्स हो गया। तो आप बात करेंगे, देखिए ये सब क्या आप लोगों को दिखने में लग रहा है प्लुरल फॉर्म में है ना, सब का सब प्लुरल फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग, आई होप आप लोग इसको लिख लीजिए, एक मिनट का टाइम आपको देते हैं यहाँ पे, चलिए लिखिए, इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम लोग सभी के ऊपर एक एक एग्जाम्पल दे के आपको मैं क्या करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का जो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोगों को, देखिए नो न्यूज़ इज़ गुड, दूसरा हो जाएगा अ पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, अगला हो जाएगा एथिक्स के बारे में, जानते हैं कि एथिक्स में क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। तो आप तीन ही एग्जाम्पल से आप लोग समझ लिए होंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे है, अगर लिखना चाहते हैं तो देख लिख लीजिए, एथिक्स इज Need to be honest, ठीक है। एथिक्स के लिए आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगा, आप लोग को ईमानदार होना ज़रूरी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे प्रत्येक एग्जाम्पल में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ 2 मिनट के बाद वीडियो पॉज हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर दोबारा भी मैं बता दिया तो कोई दिक्कत हर्जा करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स के साथ, अगर ये पॉलिटिक्स आपको दिख रहा है प्लुरल फॉर्म में तो इसके साथ क्या प्रयोग किया गया, सिंगुलर। इकोनॉमिक्स दिख रहा है प्लुरल, तो इसके साथ क्या प्रयोग किया गया, सिंगुलर, ठीक है।
अब यहाँ पे थिक्स के साथ प्लुरल है, लेकिन इसके साथ क्या प्रयोग किया गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो चलिए आई होप आज के लिए दो रूल आप लोगों के लिए बहुत ही काफ़ी हुआ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और रूल पढ़ लेते हैं, क्या ही जाता है इसमें, क्या करते हैं अब हम लोग देखते हैं मुद्दे की बात। तीसरा, दो तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, चलिए बात करेंगे हम लोग इनके भी तीन, यानी कि रूल नंबर तीन, टाइप भी तीन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सबका सब इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी नाउंस आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि एकदम लगेगा कि क्या रहेगा, एकदम वह लगेगा आपको सिंगुलर जैसा। ठीक है, सिंगुलर जैसा लगेगा, लाइन गया कट, तो आप लोग साउंड पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी नाउंस रहेंगे आप लोगों को क्या रहेगा, वह दिखने में रहेगा एकदम आप लोगों को सिंगुलर जैसा, लेकिन उसका यूजेज क्या रहेगा, उसका यूजेज आप लोग का रहेगा प्लुरल फॉर्म में। ठीक है, प्लुरल फॉर्म में आप लोग का रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग दे देते हैं, आप लोग देखिए फटाफट। जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग पीपल, ठीक है, पीपल मतलब लोग होता है, कभी कभी पीपुल, अगर यहाँ पे पीपुल हो गया तो यहाँ पे लोग के लिए अगर यही आप लोग को रहेगा ऐसे पीपुल्स रहेगा तो वंशज की ओर यह व्यक्त करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बारे में, पीपल हो गया, उसके बाद चिल्ड्रेन हो गया, देखने में लग रहा है ना प्लुरल जैसा, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, देखने में लग रहा है सिंगुलर जैसा, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, प्लुरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग हो जाएगा इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलना, पैदल चलना। ठीक है, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा कैटल, कैटल, कैटल्स आर वॉकिंग इन द फील्ड, यानी कि जो पशुएं हैं कहाँ चल रही है, तो मैदान में चल रही है। ठीक है, कैटल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हो जाएगा पेशेंटली, पी ई ए एस ए एन टी एल वाई, कृषक वर्ग, पेशेंटली हो गया। ये सब क्या है आप लोगों का, सिंगुलर जैसा लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, प्लुरल में करते हैं, पुलिस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पुलिस हो गया, उसके बाद जेंटली, जेंटली हो गया, उसके बाद आप लोगों का कौन सा होगा, योमेंट्री, योमेंट्री कहने का मीनिंग है जो जमींदार लोग रहते हैं उसको योमेंट्री बोलते हैं, जमींदार, जमींदार। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया, पुलिस हो गया, उसके बाद पीपुल तो हो ही गया। तो ये आई होप आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे, जितने भी आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं सब के सब किस फॉर्मेट में आप लोगों को दिख रहा है, सब के सब आप लोग सिंगुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन इसका जब प्रयोग होगा, इसका प्रयोग जब होगा या किस में होगा, हमेशा प्लुरल फॉर्म में होगा। ठीक है, प्लुरल फॉर्म में होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कैटल्स आर वॉकिंग इन दी फील्ड, जो कैटल है आप लोग देखेंगे यहाँ पे कैटल है, यहाँ पे कैटल एक किस फॉर्मेट में सिंगुलर जैसा लग रहा है ना, लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे तो क्या किसका प्रयोग किया गया, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया। तो इसी तरह से आप लोग सारा जो भी मैंने रूल पढ़ाया आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को सारा नाउन क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, एकदम 100% आप लोगों का सही होगा ही होगा कॉमन एरर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया होगा, तो चलिए अगले दिन हम लोग मिलते हैं आगे रूल की ओर, यानी कि उम्मीद है कि कल शायद नाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब एंड एग्रीमेंट, उसमें आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा सिंगुलर प्लुरल किसको कहते हैं। हमेशा माथा पेची रहता है ना कि ये वाला नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, उस बार आप लोगों का जैसे शुरुआत होगा आप लोगों का खत्म हो जाएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट डे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी रही क्लास, आप लोगों को फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, उससे हमको क्या मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा।